मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र में 14 दिवसीय नशा मुक्त भारत अभियान जागरूक रैली का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने कई स्थानों पर नशा मुक्त संदेश देने का किया सुंदर प्रयास। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर जयपाल कमल मुख्य रूप से उपस्थित। पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र पर पितृपक्ष मास के उपलक्ष में कार्यक्रम। राज्योग शिक्षिका बीके रोहिणी ने श्राद्ध का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए माता पिता का जीते जी ख्याल रखने पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र के द्वारा सीनियर सिटीजन हॉल में कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने वृद्ध जनों को कर्तव्य के बारे में समझाते हुए एक ईश्वर पर भरोसा रख सदा खुश रहने की बताई विधि। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के चलते कटक के बड़ा मंडी बस स्टैंड से लेकर अन्य स्थानों पर बीके सदस्यों ने की साफ सफाई। कटक सब जोन प्रभारी बीके सुलोचना ने शहर के साथ समाज से बुराई को खत्म करने के लिए मन के स्वच्छता पर दिया जोर। कटक के काक द्वीप सेवा केंद्र के द्वारा सफाई अभियान के अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रिया सहित बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने लिया हिस्सा। आध्यात्मिक ज्ञान से तन के साथ मन को शुद्ध करने का दिया संदेश। महाराष्ट्र के धाड़गांव में मनाया गया राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। घर परिवार और मोहल्ले की सफाई के साथ विचारों की स्वच्छता का संकल्प। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर सेवा केंद्र के द्वारा भी चलाया गया स्वच्छता अभियान। बीके सदस्यों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनाली ने मेडिटेशन के द्वारा निगेटिविटी को साफ करने की कही बात। जमशेदपुर में मरीन ड्राइव नवनिर्मित विशाल सेवा केंद्र के भोलेनाथ भंडारा और डाइनिंग हॉल का बीके भगवान ने रिबन काट कर किया शुभारंभ। बीजेपी प्रदेश के मीडिया प्रभारी अभिषेक डे मुख्य रूप से उपस्थित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू ने जताया आभार। वहीं यूपी के बाराबंकी जिले के कस्बा देवा में खास महिलाओं के लिए कार्यक्रम। दिव्य शक्ति भवन की संचालिका बीके अनुराधा और बीके श्याम ने घरों में रहने वाली बहनों के साथ ईश्वरीय ज्ञान पर चर्चा करते हुए ईश्वर को साथी बना भयमुक्त बनने का कराया संकल्प। यूपी के खुर्जा स्थित ग्राम बगराई खुर्द में नए सेवा केंद्र के शिलान्यास समारोह का आयोजन। राज्योग शिक्षिका बीके शक्ति के कर कमलों द्वारा संपन्न। विधायक मीनाक्षी, पूर्व विधायक हरपाल सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। सीताराम डेरा के आदिवासी प्लस टू उच्च विद्यालय के युवा छात्रों का नैतिक शिक्षा से सशक्त युवा विषय पर युवाओं का किया गया सशक्तिकरण। जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में क्लिनिकल सोसाइटी द्वारा डॉक्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस। टाटा मेन हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर बी के राजेश ने हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी वेन साइंस मीट्स मेडिटेशन विषय पर दी विस्तृत जानकारी। जमशेदपुर के कदमा सेवा केंद्र पर माउंट आबू से पहुंचे वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान। जीवन में आने वाली समस्याओं के चलते सकारात्मक जीवन शैली विषय पर लोगों को किया मार्गदर्शित। एडवोकेट, व्यापारी समेत अन्य लोगों ने कार्यक्रम का लिया लाभ। वहीं कदमा सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम के दौरान NIS से बीके भगवान की हुई मुलाकात। नैतिक शिक्षा, ईश्वरीय संदेश और सकारात्मक से तनाव मुक्ति विषय पर चर्चा करते हुए अपराध मुक्त समाज बनाने पर दिया जोर। प्रभारी बीके संजू ने भी रखे अपने विचार। ऐसे ही मानगो सेवा केंद्र पर भी बीके भगवान ने खुशहाल जीवन हेतु सकारात्मक विचार विषय पर लोगों से की बात। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूबी के साथ समाज सेवक जीवन बाबू मुख्य रूप से उपस्थित। गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर यूपी के फतेहपुर में ज्वालागंज सेवा केंद्र के द्वारा सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। राज्योग शिक्षिका बीके नीरा ने नशे से होने वाले दुष्परिणामों से कराया अवगत। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कृषि विज्ञान केंद्र पर गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम। राज्योग शिक्षिका बीके पूनम, बीके चंदा ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, मेडिटेशन होती है मन की सफाई। बारा द्वार में भी
नैतिकता और चरित्र ही सुख शांति की नींव है, ऐसा कहते हुए पीपल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीके भगवान का रहा उद्बोधन। मेडिटेशन करने में छात्र और शिक्षकों ने दिखाई रुचि। ऐसे ही साक्षी के गुरु नानक मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों को राजयोग शिक्षिका बीके आभा के साथ बीके भगवान ने दिए मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन करने के टिप्स। फरीदाबाद के संजय एन्क्लेव सेवा केंद्र के द्वारा मनाया गया गणेश उत्सव सुंदर झांकियों के साथ। राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने बताया गणेश कथा का रहस्य। फास्ट न्यूज में इतना ही, अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।